हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इको इंटरेस्ट। वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं चंदू चैंपियन के ट्रेलर पे। तो फाइनली इसका ट्रेलर आ चुका है, इसमें कार्तिक आर्यन है और ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं, लेट्स एंजॉय द ट्रेलर। 1961 67 सर 65 की जंग में इसको 9 गोलियां लगी थी। जंग को 2 साल हो गए, तब से ये कोमा में ही है। दुश्मन क्या कर रहे? छोड़ो, मुझे मेरे मुल्क वापस जाना है। मैं डरता नहीं है दुश्मनों से। हम दुश्मन नहीं है, तुम हिंदुस्तान में हो। मुरलीकांत पेटकर की कहानी आजाद हिंदुस्तान की कहानी है। हालात ऐसे कि ये देश टिक भी पाएगा कि नहीं, पर हिंदुस्तान लड़ता है हर हालात से। बड़ा होके क्या बनेगा? मास्टर जी, मैं चैंपियन बनूंगा और मेडल लाऊंगा। ए हंसता मैं को है, पूरा गांव हंसता है तेरे पे। जो पता है क्या बुलाते हैं लोग तेरे को? अरे आ चंदू चैंपियन। ये ऐसे क्यों लग रहा है? कुछ एपिक बन रहा है। कोई ना आया सेगम उस पे, खाली आज जाने दो दंगल को। कुछ एपिक सा बना है, मसाला सब कुछ सही डला है। अरे ये तो चंदू चैंपियन है। ओ भाई चंदू भाई, पटाख। तेनू ओलंपिक जाना है ना, तो तेनू तो फौज ही होना चाहिए। सर मुझे एक मौका दो ना यार, मूवी सही लग रही है। उनका चेला है मैं। थोड़ी सी डर ये है कि कार्तिक आर्यन ने बोल ना दे। अभी तक तो ठीक है, एक्टिंग दिख रही है भाई। कैसा धड़ाम धड़ूम आवाज कर रहा है? कल जाते क्या? कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, नाश्ता करके निकलते हैं। एयर इंडिया अपने बाप का ही है। ओ भाई। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है छोटू। मुरली, मेरा भगवान से जो भी लेन देन था, मुझे ऐसा मारना उसके प्लान में नहीं था। वो दिन मैं तय किया। ट्रू स्टोरी है राइट? और उसके लिए जितना लड़ना पड़े मैं लड़ेगा, और हर चिढ़ाती हुई हंसी को पलट के बोलेगा। हंसता कहीं को है? मूवी तो सही है भाई। मुझे आज लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। चंदू चैंपियन कब आ रही है? मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे चीटिंग का केस करने का। ओ 14 जून, अरे वाह बहुत बढ़िया। ये था ट्रेलर चंदू चैंपियन का। ट्रेलर बहुत धांसू है, बहुत मस्त है, और थिएटर में ही देखने वाली मूवी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज हम क्लियर कर लेंगे, इसको ओटीटी पे हमें देख के रायता नहीं फैलाना, थिएटर में देखेंगे। अब जो इसमें सब कुछ सही लग रहा है, सारे मसाले सही पड़े, सिर्फ जो मेन आइटम है इसमें वो है कार्तिक आर्यन। तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा डाइसी से लग रहा है, क्योंकि कहीं कहीं वो जैसा दिखना चाहिए और ऐसे पर्सन का, ऐसे व्यक्ति का जो मतलब फ्रॉम यू नो राइज कर रहा है अगेन, तो वैसा कुछ थोड़ा सा मिसिंग है। तो हो सकता है अभी ट्रेलर पहले ही है तो इसमें ऐसा लग रहा हो, बट आई एम श्योर कि आगे ये पुल कर लेगा अच्छे से। तो अगर कार्तिक आर्यन ने खींच लिया ये तो ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है। और स्टोरी सब सही है, और ट्रू स्टोरी तो यार मतलब रहता ही है ना आदमी को थोड़ा सा कि क्या हुआ कैसा हुआ। 14 जून को आ रही है तो आप डेफिनेटली देखो, थिएटर में ही देखो, ओटीटी पे देख के अपना एक्सपीरियंस मत बेकार करो। तो दैट बीइंग सेड, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइब।